इसको कोई नहीं समझता, कोई चैनल, कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई स्ट्रेटजिस्ट इस पे बात नहीं करता है। हर बार जो है राजनीतिक बलि वेदी पे अगर कोई चढ़ रहा है तो यूपी की 20 करोड़ की जनता है। अजितेश, जो आपने अभी बोला बुलवा के रहूंगा, अकेले मुझे एंकर का भी प्रेशर झेलना पड़ता है और जितने पार्टी के प्रवक्ता होते हैं सब मेरे खिलाफ रहते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कोई प्रदेश अगर राजनीति का सबसे बड़ा शिकार है तो वो यूपी है, और यूपी की जनता सबसे ज्यादा राजनीति के शिकार है। एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नैंसी। एके मिश्रा जी, पहले आपसे ही रिएक्शन ले लेती हूँ। अलग अलग जो सीट्स हैं उन पर चुनाव होना है, किस तरह से लिया जाएगा? हम इसको नेशनल लेवल पर देखें या फिर हम इसको सिर्फ ये देखें कि अलग अलग सीट्स हैं तो उसके समीकरण को समझना होगा, तो किस तरह से लिया जाए? नहीं देखिए, अलग अलग सीट की नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई इलेक्शन हो रहा है नेशनल लेवल का और सबकी कोशिश है, ख्वाहिश है सरकार बनाओ या सरकार रोको, चीजें तो दो ही है ना। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि बीजेपी वाले भी ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की, कांग्रेस वगैरह की, इन सब के अलायंस की सरकार ना बने। तो ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है 2019 का, सरकार बनाओ का मुद्दा नहीं है। मैंने यहाँ पे सरकार रोको, बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि हम विपक्ष की सरकार रोक दें, ना बनने पाए, और विपक्ष वाले सोच रहे हैं कि हम बीजेपी प्लस को रोक दें। तो ये पूरी लड़ाई है सरकार रोको, सरकार बनाओ नहीं। दूसरी चीज देखिए, एक एक सीट का जो है असर अब की बार पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया का भी असर पड़ेगा कि कैसे सरकार, किसकी सरकार संसद तक पहुंचने में रोकी जा सकती है। और यूपी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, पिछली बार भी यही हुआ, अब की बार भी हुआ। लेकिन अब की बार एक चीज है जो मुझे लगता है ना कहीं, खैर रिजल्ट कुछ भी हो, मेरी शुभकामनाएं शुरू करने के पहले सभी पार्टियों को है, मुझे ये लगता है कि यूपी को कम से कम जो है, सॉरी बीजेपी को कम से कम यूपी में जबरदस्त चुनौती अब की बार मिल रही है। और कोई भी लक्षण अगर हम देखें तो ये लक्षण साफ वहां पे परिवर्तित होता है। चुनौती किस तरह से, महागठबंधन के आने के बाद समझ रहे हैं आप? चुनौती नहीं, महागठबंधन की ही, मैं देखिए महागठबंधन का कॉन्सेप्ट भी मैं नहीं लूंगा। सपा बसपा का जो गठबंधन है वो बहुत स्ट्रांग है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, अब महागठबंधन में दूसरे स्टेट में भी दूसरी पार्टियों का गठबंधन तो हुआ है, आप बिहार में भी देख लीजिए, वहां पे कहीं पे भी और कई जगह हुए हैं जो है। लेकिन जो बॉन्डिंग यहाँ पे दिख रही है सपा और बसपा की, और उसके पीछे कुछ सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है जिसके कारण की ये जबरदस्त वो चीज दिख रहा है। तो क्या इसका इशारा आप ये दे रहे हैं कि जिस तरह से मुलायम सिंह पहुंचे वहां पर, या मुलायम सिंह के लिए मायावती वहां पर पहुंची, एक स्टेज पर एक लगभग 25 साल पुरानी अपनी दुश्मनी भुलाकर एक साथ खड़े हो गए, गेस्ट काउंट का जो गेस्ट हाउस कांड का जो जिक्र था जिसको लेकर मायावती नाराज हुई थी, पार्टी को छोड़ दिया था, साथ छोड़ा था, लेकिन क्या उसका इशारा कर रहे हैं कि भाई अब इतनी पुरानी दुश्मनियां भुला चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं, मुलायम सिंह उनके फेवर में बात करते हैं, मायावती उनके फेवर में बात करती है, तो एक बड़ा मैसेज जा सकता है इसके लिए? नैंसी देखिए, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो जाता है, जो मैं समझता हूँ समाज के लिए, भले ही राजनीतिक स्वार्थ के कारण ये हुआ हो, लेकिन मैं ये मानता हूँ सभी दलों के नेता लोग भी यही मानते हैं कि भाई आपकी जाति पाति राजनीतिक पार्टी कुछ भी हो, हार जीत कुछ भी हो, समाज में और इवन पार्टियों में भी हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें चाहे जिसने जो भी किया हो, मैं सभी लोगों को ये दूंगा कि कम से कम आप लोगों ने अगर अपनी वैमनस्यता खत्म की है तो समाज में भी जो वैमनस्यता फैली हुई होती थी कि हम ये हैं, अरे हालत ये होती थी कि एक ही गांव में अगल बगल फैमिली है, हम इस पार्टी के, हम उस पार्टी के, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्दी सोशल और सोशल सिम्टम है। पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलेगा, चाहे मायावती ही जाए, चाहे मुलायम सिंह यादव जाए। खैर मुलायम सिंह यादव को तो बुलाना एक सांकेतिक था, दुनिया को यह बताना कि भाई मुलायम सिंह यादव ने भले ही आशीर्वाद संसद में मोदी को दिया है, लेकिन साथ वो यहाँ पे खड़े हुए है। मनोज यादव जी, कंफर्मेशन के लिए था। मनोज यादव जी कुछ कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि देखिए एक मोदी मोदी के नारेबाजी कर रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन इस बीच एक मिश्रा जी एक चीज समझना चाहूंगी। ये अंदाज है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जब भी वो लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ जुड़ने का कनेक्शन बनाने की कोशिश होती है, और कनेक्शन ये भी दिखाई देता है कि अब तस्वीरें दिखाई दी है कि एक बच्चे को गोदी में लिया है, उसको उछालते हुए उसके साथ खेलते हुए नजर आए हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूं और मैं प्रधानमंत्री भले ही बन गया हूं लेकिन मेरे अंदर आपकी जैसी ही भावना है, आपके साथ ही मैं जुड़ा रहता हूं। नैंसी देखिए, दिखाना, इसमें दिखाने वाली बात मुझे नहीं लगती है, जो लोगों की अच्छी चीजें हैं वो होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, आप भी इसी देश के नागरिक हो, आप भी उन्हीं अड़ोस पड़ोस गलियों से निकले हुए हो, आप प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन जाते हो तो कोई बहुत डिफरेंट थोड़ी हो जाते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि
ये व्यवहार होता है, व्यक्तिगत व्यवहार। चलिए इस पे ना पॉलिटिकल रिएक्शंस भी ले लेते हैं। इस पर जो है सदफ जाफर जी से मैं पूछना चाहूंगी कि वो किस तरह से ले रही हैं। सदफ जी किस तरह से लेंगी तस्वीरों को? प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं वोटिंग के लिए, उनके नाम की नारेबाजी हो रही है, लेकिन इस बीच तस्वीर देखी किसी तरह से एक बच्चे को गोद में लिया, उसे उछाला, उसके साथ खेलते नजर आए, तो किस तरह से आप ले रही हैं इसको? मुद्दों पे ही बात हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उस पर भी बात जरूर की जाएगी, क्योंकि इसका भी एंगल समझना जरूरी है। बच्चों की बात करना मुद्दे की बात नहीं है। नीर और शीर का जो है एग्जाम्पल दिया, यानी कि पानी और दूध में क्या अंतर है वो देश की जनता समझती है। इसको और भी समझने की कोशिश करेंगे। के मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरें जहां पर किस तरह से भारी संख्या में लोग हैं ओपन जीप में। पीएम मोदी, अब आगे उनका काफिला बढ़ रहा है, टाइट सिक्योरिटी के साथ पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ा। एके मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, नीर और शीर किस तरह समझे, शीर बोला या शीर बोला? क्योंकि दूध और पानी का शायद ये एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग जनता हैं, जानती हैं कि दूध क्या है और पानी क्या है, कहां पर वोटिंग करनी है। शीर मतलब एक संस्कृत का शब्द है, शीर का मतलब होता है दूध, क्षीर सागर जहां पे विष्णु भगवान रहते हैं। देखिए नीर और क्षीर, नीर सिनोनिम्स है हिंदी में, पर्यायवाची है पानी का, जल जो है, जल नीर पानी ये सब वो है। तो नीर और क्षीर, हमारे यहाँ एक कहावत है ना, दूध का दूध और पानी का पानी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है। इसका महत्व आप समझिए, दूध में अगर आप पानी मिला दो तो मिलावट आप कर देते हैं जो कि गलत है, और उसको अलग करना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बारीकी का काम है। केवल हंस के बारे में बोला जाता है कि वो पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। तो दूध और क्षीर, दूध और पानी को अलग करना दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम माना जाता है, बड़ा कठिन काम माना जाता है अगर न्याय करना हो। ज्यादातर न्याय के मामले में यह बोला जाता है दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हाँ, तो नीर और क्षीर का इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह बोला है। ठीक है, ये उनके लिए एक पॉलिटिकल माइलेज का भी चीज हो सकती है। उनका अपील ये है, उनका कहना यह है कि हाँ भाई, क्या सही है और क्या गलत है जो आसानी से नहीं दिख पाता है, जनता इतनी बुद्धिमान है कि वो इसको भी देख लेगी। तो प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज था। देखिए बीजेपी की तरह हमारे भी नेता बहुत गरीब किसान घर से थे, तो हम भी हक रखते हैं। ठीक है, वो चाय वाले थे, हम दूध वाले हैं, हमें भी देश की प्रधानमंत्री की गद्दी पे पहुंचना चाहिए, बैठना चाहिए। हम भी तमाम सारे उन वादों को पूरा करें जो देश से तमाम सारी जनता से किए गए हैं। तो अब हम नहीं अभी बन पाए तो निश्चित तौर पे इस बात को तो समझना पड़ेगा भाई, चाय वाला बन गया, दूध वाला नहीं बना, तो ये तो दिक्कत वाली बात है हर इंसान और जहन में। और दूध वालों की संख्या ज्यादा भी है, चाय वाले तो खैर कम है, वो अलग बात है। कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन इस बीच सदा जी के पास मैं जाऊंगी मोदी, लेकिन इस बीच एके मिश्रा जी एक चीज समझना चाहूंगी। ये अंदाज है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि जब भी वो लोगों के बीच जाने की कोशिश करते हैं तो उनके साथ जुड़ने का कनेक्शन बनाने की कोशिश होती है, और कनेक्शन ये भी दिखाई देता है कि अब तस्वीरें दिखाई दी हैं कि एक बच्चे को गोदी में लिया है, उसको उछालते हुए उसके साथ खेलते हुए नजर आए हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं आपके बीच का ही व्यक्ति हूं और मैं प्रधानमंत्री भले ही बन गया हूं लेकिन मेरे अंदर आपकी जैसी ही भावना है, आपके साथ ही मैं जुड़ा रहता हूं। नैन्सी देखिए, दिखाना, इसमें दिखाने वाली बात मुझे नहीं लगती है, जो लोगों की अच्छी चीजें हैं वो होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, आप भी इसी देश के नागरिक हो, आप भी उन्हीं अड़ोस पड़ोस गलियों से निकले हुए हो, आप प्राइम मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन जाते हो तो कोई बहुत डिफरेंट थोड़ी हो जाते हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि ये व्यवहार होता है, व्यक्तिगत व्यवहार। मुद्दों पे ही बात हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें सामने हैं उस पर भी बात जरूर की जाएगी, क्योंकि इसका भी एंगल समझना जरूरी है। बच्चों की बात करना मुद्दे की बात नहीं है। वापस आऊंगी सभी के पास। और देखिए वोट उन्होंने डाला है तो वही फिंगर दिखा रहे हैं, क्योंकि वोट वो डाल चुके हैं, और इससे एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप लोग भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एके मिश्रा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जो हमारे, और चलिए हमारे साथ एक लगातार बने हुए, नलनी भी लगातार बने हुए। नलनी, कोई अपडेट फिलहाल वोटिंग प्रतिशत को लेकर? बिल्कुल एक इस पीस लगातार जब अपडेशन की बात कर रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ मेहमान तो नहीं है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से अगर हम बात करें, अभी तक जितना तमाम जगह से लगभग 11 बजे तक 22 से 23% वोटिंग हुई है, कुछ जगह 24-25 भी हुई है, किस हिसाब से देखते हैं वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से? ये देखिए एवरेज से ये थोड़ा बेटर चल रहा है। मैं आपको बताऊं, हेल्दी जो है लोकतंत्र को अगर देखा जाए ना, तो वोटिंग परसेंट का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। मैं समझता हूं कि अगर इस हिसाब से वोटिंग जाएगा तो लगभग 68% के आसपास, कुछ इस तरीके से 65% से 70%, लेकिन ये मिनिमम जो है, मैं समझता हूं कि अगर वाकई में लोकतंत्र का जो मजा है ना वो
मतलब 75% के ऊपर अगर वो वोटिंग जाए, मुझे नहीं लगता है कि ये 75% की वोटिंग हो पाएगी। उस हिसाब से 75 से 80% की अगर वोटिंग हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। फिर मैं ये मानूंगा ना कि जनता का जबरदस्त इंटरेस्ट है और जनता डिसाइड करना चाहती है कि इस देश का भविष्य क्या है। एक जो कहावत है कि भाई लोकतंत्र क्या है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, ये मैं तब मानूंगा जब वोटिंग परसेंट 80% से ऊपर हर बार रहे, 90% रहे। लेकिन इस तरीके का कम वोटिंग परसेंट, जैसे 50% 45% भी कई बार होती है, वो ये दिखाता है कि जनता का वोटिंग सिस्टम में, लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रहा है। मेजर अगर भाई 35% या 40% वोटिंग हुई, 50% वोटिंग हुई, तो इसका मतलब है 50% पब्लिक ने वोट नहीं दिया। और उनका क्यों नहीं दिया वोट, क्योंकि उनका रुझान ही नहीं है। तो केवल बेशक 50% जिन्होंने वोटिंग दिया उस पर गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो गवर्नमेंट कोई मतलब निष्पक्ष गवर्नमेंट मैं उसको नहीं मानता हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और देखिए इसी बीच अगर हम देखें, कहीं ना कहीं वो कोशिशें भी खत्म हो जाती हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया जाता है जागरूकता के लिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा जब बात करते हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर, अभी थोड़ी देर पहले ही हम खबर बता रहे थे, चुनाव का बहिष्कार कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ गाँव के लोग कर रहे हैं, ये अमूमन इस चुनाव में चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही प्रशासनिक तौर पर भी ऐसी चीज़ों में होती है। कई जगह तो सीधे तौर पर विकास को लेकर लोग बहिष्कार कर देते हैं चुनाव का। अब अगर नेता ही अपना काम 5 साल में बेहतर तरह से करें, और ये क्या बखूबी समझते हैं कि एक सांसद 5 साल के लिए रहता है, अगर सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र पर अगर वो फोकस कर ले पूरी तरह से, तो 5 साल मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लगते हैं। देखिए यही सवाल शायद आपने पूछा था या इसके पहले पूछा था, कि ये द्रविड़ साहब बोल रहे थे मुझे जनता की सेवा करनी है। तो मैंने बोला था ये जनता की सेवा अपने मुंह से केवल चुनाव के टाइम पे करते हैं नेता लोग, इसके बाद ये जनता से सेवा करवाते हैं। देश से सेवा 5 साल तक लगातार करवाते हैं। क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ ले गए, फील्ड में कभी जाते नहीं है, कभी पूछने जाते नहीं है। जो चुनाव का बहिष्कार किया है एक मामले में, इथिकली तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक मामले में मैं सपोर्ट करता हूं। और इस चीज को मैं ऐसे देखता हूं ना कि चुनाव के ठीक बाद अगर 2 साल के बाद मंत्री जी आते हैं तो आप उनको घुसने मत दो। मतलब देखिए इन नेताओं से, ये नेता कैसे काम करेंगे मैं आपको बता दूं, जैसे नकेल पहना करके बैल को खेत में जोता जाता है ना, अगर बैल को आप नकेल ना पहनाइए तो वो काम नहीं करेगा, वो हल नहीं चलाएगा। तो जनता को ये चाहिए कि अपने नेताओं को नकेल पहनाइए, तभी ये काम करेंगे। और जब जब आपको नकेल पहनाने का मौका मिले, चुनाव में मिले, चुनाव के बाद मिले, जब आए, आप लोग उदासीन मत होइए। आपके पास हक है अपने नेता से, चुने हुए प्रतिनिधि से हर दिन सवाल पूछने का, उसको रिमाइंड कराने का। देखिए घंटी और घंटा दोनों बजाते रहिए अगर आप जनता हैं तो। मंदिर में घंटी या चर्च गुरुद्वारे में घंटा बजाइए या ना बजाइए, लेकिन नेताओं के दिमाग की घंटी और घंटा रोज बजाते रहिए। कभी बजाएंगे, मिलते ही कहां है। नहीं, मैं उदाहरण देता हूं, मतलब मैं इटावा से हूं तो वहां का जिक्र जरूर कर रहा हूं मैं। 2014 में बीजेपी के सांसद बने अशोक दौरे, समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट जीतना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन मोदी लहर में जीते। और उसके बाद 5 साल दिल्ली में नजर आए, बीजेपी का सर्वे हुआ, काम जीरो पाया गया, टिकट काट दिया गया, टिकट कटते ही कांग्रेस में चले गए, उसके पहले वो बीएसपी में थे। तो इनका तो दिल्ली में घर है, वहां से जीते यहाँ के रहने लगे, हो गया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसे अगर जनता लगातार यही काम करते रहे ना हर पार्टी के साथ, तो होगा क्या, सारी पार्टियां अलर्ट हो जाएंगी, उसमें सुधार होगा। देखिए इस देश को कौन सुधार सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। आप नेता के भरोसे हो, पार्टी के भरोसे हो, तो 70 साल तक रह लिए हो, मुद्दे वही है, प्रॉब्लम वही है। आप 70 साल और रह लो, मैं जनता से अपील कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। इस देश को कोई सुधार सकता है तो जनता ही सुधार सकती है, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के सिस्टम में बैठा हुआ क्लर्क हो, अधिकारी हो। अगर जनता ठान ले, जनता जागरूक हो जाए ना, तो इनको 2 मिनट में नकेल पहनाया जा सकता है। और बिना नकेल पहनाए तो बैल भी साहब खेत में नहीं जोतता है, हल नहीं जोतता है। बैल को अगर काम करवाना है, हल उसके कंधे पे लादना है, यानी भार जिम्मेदारियों का देना है, तो पहले बैल को नकेल पहनाया जाता है। तो जनता पहले इन लोगों को नकेल पहनाए, तब ये जाके प्रोडक्टिव बनेंगे और काम करेंगे, नहीं तो वो बैल छुट्टा सांड हो जाता है। बिल्कुल नलनी, आपका रुख करेंगे कुछ अपडेट्स। फिलहाल वोटिंग प्रतिशत को लेकर अखिलेश यादव ने पूरे देश में ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। नलिनी मेरी आवाज आ रही है? जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नलिनी बोलिए।
जी अजितेश, यहाँ पर बताना चाहूंगी अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 11 बजे के लगभग 23% मतदान हो गया है। और अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, ट्वीट के जरिए उन्होंने आरोप लगा है ईवीएम में गड़बड़ी का, मुरादाबाद में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिली है जहां पर झड़प हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप वहां पर भी चल रहा है, लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है कि सपा को वोट दो, कोई कह रहा है बीजेपी को वोट दो, जिसको लेकर हाथापाई भी हो रही है। सवाल इस बात का भी है क्योंकि एटा में भी ऐसी खबर देखने को मिली है कि साइकिल पर वोट डलवाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी आपस में भिड़ गए कि साइकिल को क्यों वोट देने के लिए, आप कह रहे हैं झड़प देखने को मिली है। तो सवाल इस बात का भी है कि अति संवेदनशील और जो संवेदनशील बूथ है वहां पर सुरक्षा आखिर किस तरीके की है जो झड़प भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और ऐसा होता भी है अगर हम बात करें, एक ये अब चीज नॉर्मल हो गई मानकर चले हम, क्योंकि दो घंटे पहले, हालांकि अच्छी बात है ये, उनकी बात का भी स्वागत है, दो घंटे पहले ट्वीट होता है कि आज चुनाव की प्रक्रिया का तीसरा चरण है, सभी से अपील है लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए एकजुट होकर महामतदान की प्रक्रिया में जरूर शामिल हों, औरों को भी प्रेरित करें। और उसके बाद अगला ट्वीट तो हम चर्चा कर ही लिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जा भी चुके हमारे साथ में, उनसे सिर्फ सवाल ये करने को लेकर। नहीं देखिए है, मैं आपको बताऊं, ये जितने भी नेता है ना ये समझते क्या है, सिस्टम की मैं बात करता हूं, सिस्टम में दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं, एक होता है अथॉरिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी तो होती है पावर, सवाल पूछने की, कुछ ऑर्डर देने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिलीवर करने की, चाहे क्वेश्चन का सवाल डिलीवर करना हो। तो ये नेता लोग जो होते हैं मंत्री मिनिस्टर, देखिए होता क्या, ये केवल अथॉरिटी, ये एकदम हंस की तरह होते हैं, जैसे हंस होता है ना, दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। नेता जब बनते हैं तो संविधान में भी ये है अथॉरिटी और पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी उनको दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए सक्सेसफुल। लेकिन ये नेता लोग हंस है, ये होता क्या है ना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अथॉरिटी तो चुन लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी खूबसूरती के साथ छोड़ देते हैं। और यही रीजन है कि आपने जब एक सवाल पूछा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के भाग गए। तो ये तो नेता की निशानी है, ये उनका हुनर है, ये उनका आर्ट है। खूबी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और साफ तौर पर इस बात को खूबी बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से ईवीएम को लेकर, हालांकि बीजेपी भी सवाल उठा चुकी है, लेकिन अभी पिछले कुछ 5 सालों में लगातार इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। चुनाव आयोग ने कई बार गलतियां मानी, वीवीपैट का इस्तेमाल का जिक्र किया, लेकिन आज भी बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने हार के डर से ईवीएम पर सवाल, ये बीजेपी का कहना है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाए, पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, अब कहा कि पूरे देश में ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, बीजेपी ने पलटवार किया है। और बीजेपी ने कहा कि दरअसल हार के डर से अखिलेश यादव ऐसा बोल रहे हैं, ईवीएम से बीजेपी को वोट जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा केंद्रों पर प्रशिक्षित लोग नहीं है, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए ईवीएम को लेकर, और वहीं बीजेपी ने पलटवार हुआ हार के डर से, अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसका समाधान नजर क्या आता है, मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, लगातार पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, फिर पूरे देश में हो गया, और सुबह से हम देख रहे हैं, हालांकि टेक्निकली अगर हम बात करें मशीन है उसमें खराबी आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें ये स्थिति क्यों लगातार बनती जा रही है। नहीं देखिए, अगर हम टेक्निकल बात करें ना, तो अजितेश मैंने पहले भी बोला था, इलेक्शन कमीशन को मुंबई में जो डब्बा वाले हैं उनसे सीख लेना चाहिए। डब्बा वालों को 6 सिग्मा रेटिंग मिली हुई है, 6 सिग्मा रेटिंग एक जो है टेक्निकल, मतलब वो चीज इंप्रूव करने के लिए, इफिशियंसी इंप्रूव करने के लिए और गलतियां कम हो, बड़ी बड़ी कंपनियों में दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अपने एम्प्लॉइज को 6 सिग्मा रेटिंग का ट्रेनिंग दिलवाए, और अगर आज की डेट में इलेक्शन कमीशन 6 सिग्मा रेटिंग के लिए अप्लाई करे तो शायद 1 सिग्मा भी नहीं मिलेगा, 6 सिग्मा तो बहुत बड़ी बात है। अनपढ़ डब्बे वाले जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से पले और बढ़े हैं, उनकी डिलीवरी इतनी गजब की है कि 10 लाख डब्बे में चांसेस केवल एक डब्बा गलत जगह पे पहुंचने का है, उनकी एक्यूरेसी देखिए। और इलेक्शन कमीशन के कितने वोटिंग मशीन खराब होते हैं पूरे इलेक्शन में, आप गिन लीजिएगा, रिपोर्ट आप लोग दोगे। ये टेक्निकल हो गया। देखिए टेक्निकल, अगर आप टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वो टेक्नोलॉजी, अगर भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा है तो दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हर मामले में होनी चाहिए, उसके एग्जीक्यूशन में, उसके रख रखाव में, हर चीज। एक बढ़ता नजर नहीं आ रहा है, खैर इस पर हम चर्चा करेंगे। एक और बार मैं वापस आपको लेकर आना चाहता हूँ, संभल की हमने बात की, हमने पीलीभीत की बात की, हमने फिरोजाबाद को भी उसमें ऐड किया, मैनपुरी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आ रहे, आपके पास सुनते हैं, बनते रहे। एक ही अलग अलग सीट पर सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं, और मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं, और मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की
एक ही एकमात्र सीट है, 10 सीटों में बात करें, जहां पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, और ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। नहीं देखिए अजितेश, कुछ सीटें ऐसी होती है ना जो कि देखिए, अब अखिलेश यादव जहां से लड़ेंगे, स्पेशली मैनपुरी वगैरह, 2500-300 सालों का एक खानदान का हार्डकोर वहां पे लेबर है, उन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, बीजेपी के लिए वाकई में मुश्किल होगी। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं, कुछ ऐसी सीटें हो गई जहां से मुलायम सिंह लड़ेंगे, कद्दावर नेता जितने हैं लड़ते हैं वो ज्यादातर। अब अमेठी में कुछ भी हो जाए, कांग्रेस सब जगह से हार जाए, लेकिन जहां से राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो जीतेंगे। इसके पीछे रीजन है, वहां पे चुनावी समीकरण काम नहीं करते हैं, वहां अपने देश की जनता का ये स्वभाव है जो कि अच्छी चीज है, वो करते हैं। हमारे देश की जनता कृतज्ञ है, कृतज्ञ होती है हमेशा, और नेता लोग कृतज्ञ होते हैं। तो राहुल गांधी कितने भी बुरे हो जाए, कुछ भी हो जाए, फेल हो जाए, पूरी कांग्रेस इस बार तो डर है, इस बार तो उनमें डर है वायनाड से चुनाव लड़ना, डर होना दूसरी चीज है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि हमारी देश की जनता बड़ा दिल से किसी को भी जो है लगाती है। तो ऐसी जो सीटें हुई जहां कद्दावर नेता लड़ते हैं, उनकी पूरी पार्टी हार जाए, लेकिन कुछ सीटें वो जीत जाए। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया है, देखिए अपनी बात कर रहे थे आप। अच्छा एक चीज मैं पूछूंगा, क्योंकि आप बोल नहीं रहे, मुझे पता है, लेकिन मैं बुलवा कर रहूंगा। 10 सीटों की जब बात कर रहे हैं, वाकई में क्योंकि मैंने कहा था कि दरअसल फिरोजाबाद की सीट हो गई, मैनपुरी की सीट हो गई, संभल की सीट हो गई, बीजेपी के लिए मुश्किल है, लेकिन आपने कहा अभी और ज्यादा मुश्किलें हैं। ये तो पकी पकाई सीटें, बाकी साथ इनमें कहां मुश्किल आ रही है? अजितेश जो आपने अभी बोला बुलवा के रहूंगा, अकेले मुझे एंकर का भी प्रेशर झेलना पड़ता है, और जितने पार्टी के प्रवक्ता होते हैं सब मेरे खिलाफ रहते हैं। अजितेश जो आपने अभी बोला बुलवा के रहूंगा, अकेले मुझे एंकर का भी प्रेशर झेलना पड़ता है, और जितने पार्टी के प्रवक्ता होते हैं सब मेरे खिलाफ रहते हैं। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो पूछा है, और ये होने चाहिए, ऐसे जीनियस क्वेश्चन होने चाहिए। देखिए ये जो 10 सीटें हैं, या स्पेशली मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी की राजनीति हर बार बदलती है, हर पर बदलती है, बहुत अपने आप यूपी में बहुत डाइवर्सिटी है। अब की बार जो इक्वेशंस बने हैं, जो सारी चीजें हुई है, उसके कारण फर्क ये पड़ेगा कि सत्ता पक्ष को अब की बार पसीने बहाने पड़ेंगे, और इसके लक्षण भी अभी तक दिख चुके हैं। सफलता हो सकता है मिल जाए, जितनी पहले थी वो मिल जाए, उससे बेहतर मिल जाए, उससे कम हो जाए, लेकिन बिना मेहनत के अब की बार इनको फल नहीं मिलेगा। केवल परसेप्शन डेवलप कर देने से, जो पिछली बार हुआ था कि परसेप्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल परसेप्शन मैनेजमेंट कर लिया और जीत गए, अब की बार केवल पॉलिटिकल परसेप्शन मैनेजमेंट ऐसे नहीं होगा, हार्डकोर काम करके होगा, और इसका रिजल्ट वहां पे आ रहा है यूपी में, मैं आपको बताऊं। लेकिन वहां पे फिर भी ये होगा, जो कद्दावर नेता है ज्यादातर ए ग्रेड की कैटेगरी में जो आते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, राहुल गांधी हो गए, ये हो गए, मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन कद्दावर नेताओं को जहां से वो परंपरागत तरीके से लड़ते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त उनकी बॉन्डिंग होती है। और मैंने आपको बोला, हमारे देश की परंपरा है, जनता कृतज्ञ है, नेता भले ही कृतज्ञ हो जाए और जीतने के बाद कभी ना जाए, कोई वादा पूरा ना करे, उसके बाद भी देखिए जनता कितनी महान है। 5 साल बाद भी जब ये लौटते हैं ना, और हाथ जोड़ के भले ही ये घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें जिताइए, तब भी जनता का दिल पिघल जाता है। तो इतनी मैं नेताओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि इतनी उदार जनता के साथ आप लोग मजाक मत किया करें जीतने के बाद, वो बहुत खतरनाक होता है जनता के साथ भी, लेकिन और देश के साथ। लेकिन ये होता है कि वो लगातार चलता रहता है। आप नलिनी कुछ अपडेट दे रही हैं वोटिंग प्रतिशत को लेकर, और खासतौर पर इलेक्शन कमीशन को लेकर कोई खबर आ रही है अखिलेश यादव के आरोपों को लेकर? देखिए 10 सीटों पर लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, मैनपुरी पर चर्चा कर ली, फिरोजाबाद पर चर्चा कर ली, पीलीभीत पर चर्चा कर ली, संभल पर चर्चा कर ली, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सीट है चूंकि एटा, और एटा, बरेली, मुरादाबाद, इस ओर जब हम बढ़ते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, इन तमाम सीटों पर वोट होगा काम के आधार पर, जो 5 साल में सांसद के तौर पर इन लोगों ने काम किए होंगे उस आधार पर वोट होगा। उत्तर प्रदेश में जो समर्थन 2014 में मिला रिफंड में, आपको क्या लगता है उतना मिला सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश को? नहीं नहीं देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की आप हालत देखेंगे ना, बहुत टेक्निकल चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ, और चूंकि हम भी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और वहीं के रहने वाले हैं, सबसे बड़ा राज्य, जीडीपी इंडिया की इकोनॉमी में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अपने आप में ऐसी है कि यूरोप के कई देशों से ज्यादा है, सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर यूपी से, और सबसे पिछड़ा हुआ यूपी से यूपी है, बीमारू राज्य की कैटेगरी में ये आता है। आशीर्वाद लेने के लिए सब जाएंगे यूपी,
मरने के बाद मोक्ष के लिए सारे राजनीतिक नेताओं की हड्डियां यूपी में ही बहती हैं, संगम में बहती हैं, विसर्जित होती हैं, लेकिन इन नेताओं को तब भी शर्म में मतलब शर्म नहीं आती है, इन लोगों को, पार्टियों को। देखिए सबसे बड़ा कोई प्रदेश अगर राजनीति का सबसे बड़ा शिकार है तो वो यूपी है, और यूपी की जनता सबसे ज्यादा राजनीति के शिकार है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई राजनीति का शिकार हो गया ये देश या ये आदमी या ये नेता, तो केवल नेता ही राजनीति के शिकार नहीं होते हैं, बलि नहीं चढ़ते हैं, सबसे ज्यादा राजनीति का अगर कोई शिकार हुआ है भारत में तो वो है यूपी, और यूपी की जनता हमेशा बलि का बकरा बनी है। यूपी की जनता हमेशा बलि का बकरा बनी है। यूपी की जनता हर बार जो है राजनीतिक बलि वेदी पे अगर कोई चढ़ रहा है तो यूपी की 20 करोड़ की जनता है। हर बार जो है राजनीतिक बलि वेदी पे अगर कोई चढ़ रहा है तो यूपी की 20 करोड़ की जनता है। इसीलिए मैं बोलते देखिए एक चीज और मैं बता दूं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बता दूं, पूरे भारत का विकास क्यों नहीं हो रहा है, देश का विकास क्यों नहीं हो रहा है, आपको पता है? अगर आप सारे स्टेट को मैं बोलता हूं आप छोड़ दीजिए, केवल यूपी का ही विकास कर दीजिए, तो आपके अकेले देश की जीडीपी इतनी हो सकती है कि कई देशों से आगे हो सकती है। आप पोटेंशियल केवल देखिए, राजनेता केवल पॉलिटिकल पोटेंशियल को तो यूपी के बखूबी समझते हैं कि यूपी में जी 85 सीट है, पॉलिटिकल पोटेंशियल चैनल और एंकर सारे राजनेता सारे विश्लेषक समझते हैं, लेकिन वहां पे सोशल पोटेंशियल को भी आप समझिए, रिलीजियस पोटेंशियल के डेवलपमेंट की भी संभावनाओं को तलाशिए, इकोनॉमिक पोटेंशियल आप देखिए वहां पे क्या है, इसको कोई नहीं समझता, कोई चैनल कोई पत्रकार कोई नेता कोई स्ट्रेटजिस्ट इस पे बात नहीं करता है। यूपी में छुपे हुए पोटेंशियल को आप देखिए, और देखिए, और अभी नहीं मैं 10,000 साल 1,00,000 साल पहले से बात करता हूं, भारत जब जब विश्वगुरु रहा है उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन रहा है, भगवान पैदा हुए तो केवल यूपी में, 2-3 से ज्यादा तो भगवान यूपी में पैदा हो गए हैं। और यूपी की भूमि कितनी उर्वर है, 7-8-9 प्रधानमंत्री यूपी के भूमि ने पैदा कर दी, भगवान भी यूपी की भूमि पैदा कर रही है, राजनेता और प्राइम मिनिस्टर भी यूपी की भूमि पैदा कर रही है, जितने पापी हैं सबको मोक्ष देने का भी ठेका यूपी की भूमि में भूमि ने लिया है, लेकिन यूपी की भूमि दिन पर दिन बंजर होती जा रही है क्योंकि उसका शोषण हो रहा है, केमिकल खाद मिला के खेती कर रहे हैं तो वो शोषण हो रहा है। तो अरे कम से कम मतलब थोड़ा सा लाश शर्म करके उसको मेंटेन तो रखिए। इस पूरे दौर में अगर हम बात करें खासतौर पर, देखिए बीजेपी से सवाल हम लगातार कर ही रहे हैं उनके कामों को लेकर, और पूछ भी रहे हैं कि आखिरकार आप कितना मजबूत हैं, लेकिन इस बीच मेरा सवाल ये कि आखिरकार जब महागठबंधन और कांग्रेस की बात की जाती है, देखिए जब तक बीजेपी वर्सेस गठबंधन होता है तब तक तो समझ में चीजें आती हैं, लेकिन जब तीसरा जिक्र कांग्रेस का हो जाता है कि कांग्रेस का चुनाव लड़ना फायदा किसको पहुंचा रहा है किसको नुकसान पहुंचा रहा है, इस पर मैं आपसे जरूर आकलन चाहता हूं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल गठबंधन जो है वो फाइट तो दे रहा है बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आता है, ऐसा है क्या? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ त्याग को परोपकार को बहुत बड़ा जो है पुण्य का काम माना गया है। अब आप देखिए कांग्रेस इस बार राजनीतिक त्याग कर रही है, राजनीतिक परोपकार कर रही है। पहली बार कांग्रेस जो है अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रही है, अब की बार कांग्रेस का टारगेट यह है कि कैसे दूसरी पार्टियों का उद्धार किया जाए। अब जैसे यूपी में सपा बसपा का उद्धार ये कर रहे हैं, परोपकार ही तो है ये, राजनीतिक परोपकार है। इसीलिए तो इन्होंने बहुत सारे जगह पे जो है अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए, या ये इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए ताकि विपक्ष का यानी कांग्रेस के लिए तो विपक्ष बीजेपी है ना, तो ताकि उनकी सीट कटे, 1%, 2%, 4% जितने वोट कट जाए तो उससे जो है इनका जो पक्ष है इनका गठबंधन है वो मजबूत होगा। तो अब की बार तो मैं बोलूंगा कांग्रेस जो है परोपकार और दूसरे का उपकार करने के लिए दूसरों को बनाने के लिए गठबंधन में शामिल है और लड़ रही है ना कि खुद जीतने खुद जीतने के लिए। चलिए एके बने रहिए हमारे साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ, और चलिए खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। एके आप बोल रहे थे अपनी बात पूरी करें, और अब ये जयप्रदा को भी आपने सुना बखूबी, आज आजम खान को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हाँ साफ साफ तमाम चीजों को साफ कर दिया। नहीं देखिए ये जया प्रदा की जो लड़ाई इनकी शुरू हुई थी, खैर वो तो देखिए मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अब आप देखिए हमें समझना ये चाहिए हमारे समाज में ना सांकेतिक तरीके से भी आपको बिल्कुल भी ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे राजनीति हो चाहे घर हो चाहे कुछ भी हो, जिसके कि आदमी मतलब कुछ और निकाल ले, एक से ज्यादा जिसके अर्थ निकलते हो, और वो इसीलिए एक बहुत अभद्र मतलब मैं मानता हूं उस चीज को, वो चीज गलत थी और उसी का ये परिणाम दिख रहा है। इसी तरीके से मणिशंकर अय्यर ने कुछ बोला था, चुनाव का पूरा रिजल्ट ही बदल गया। और अब की बार
देखिए मैंने एक ब्लॉग लिखा था कि जीती हुई बाजी को हारना कोई सीखे तो विपक्ष से सीखे, जैसे गुजरात में मणिशंकर अय्यर ने बोला था। और अब की बार इतना पोटेंशियल था इस गठबंधन में, लेकिन अपनी कमियों के कारण, अपने इन्हीं सब चीजों के कारण अगर गठबंधन अब भी नहीं परफॉर्म कर पाती है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये भूल जाए, अगले 10 साल तक ये खत्म हो जाएंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं। एके मिश्रा जी, क्यों ऐसी आन पड़ी जरूरत कि यहाँ पर वरुण गांधी को मेनका गांधी की सीट पर पहुंचा दिया गया और मेनका गांधी को वरुण गांधी की सीट पर, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, क्या मजबूरी? देखिए पहला मैं तो ये बोलूंगा ना कि भाई ये इतने कद्दावर नेता है, जनता के हिसाब से देखिए, माँ और बेटे की प्रॉपर्टी है, घर में भी यही होता है, माँ की चीजों को बेटा ले ले, बेटा की चीजों को माँ ले ले, तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसी सीटें आने के लिए होता ये है, मैं आपको बताऊं, कुछ नेसेसरी चेंजेस हो जाते हैं। एक तो ये होता है लगातार कोई आदमी वहां से लड़ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक नयापन भी आ जाता है। दूसरा ये होता है कि कुछ ऐसे समीकरण हो सकता है, ऐसे बदल गए हों, क्योंकि बदलाव तो हर दिन होता रहता है, एक छोटा सा वर्ड बोल देने से पूरे चुनाव का माहौल बदल जाता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है, जो भी पार्टी है अपना डिसीजन लेती है, उनके बड़े सारे कैलकुलेशंस होते हैं। क्या हम ये मान लें कि मेनका गांधी ने वहां पर जो तैयारी की, जिस तरह से वहां पर जीत दर्ज करती रही, तो उसकी वजह से वरुण गांधी को इम्पोर्टेंस देने के लिए वहां भेज दिया गया होगा? एक रीजन ये है कि वरुण गांधी इन कैंपेरिजन ऑफ मेनका गांधी तो उतने अच्छे नहीं है भाई, उनके पास एक्सपीरियंस है, मेनका गांधी के पास ये सारी चीजें हैं। अगर मेनका गांधी ने कई सालों तक वहां पे काम किया है, वरुण गांधी की दावेदारी यहां कुछ कम हो रही थी, जो पावरफुल है, जो योग्य है, वो नई जगह पे भी जाके अपनी पहचान बना लेगा। आपका इशारा ये है कि सुल्तानपुर की सीट को मजबूत करने के लिए भेजा गया होगा? बिल्कुल, अगर ये चीज है तो वहां पे ये है कि चूंकि वो ज्यादा कद्दावर है, तो कमजोर सीट पे भी वहां हो सकता है कि ये जो है उनके सुपुत्र जी वहां कमजोर पड़ जाते, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको वहां पे जो है एक दूसरे को शिफ्ट करवा दिया गया है। एक्सचेंज है, इट इज नॉट अ शिफ्ट, इट इज अ एक्सचेंज। लेकिन क्या ये भारी पड़ सकता है बीजेपी के ऊपर या नहीं? बीजेपी के लिए ये फायदेमंद होगा, फायदेमंद हो सकता है, भारी नहीं पड़ेगा, ये फायदेमंद होगा। चलिए मुरादाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर छापेमारी हुई है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। और बड़ी खबर है, धर्मेंद्र यादव की शिकायत के बाद छापेमारी हुई है, धर्मेंद्र यादव की शिकायत के बाद छापेमारी हुई, डीएम के आदेश पर छापेमारी हुई है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पे छापेमारी। एके मिश्रा जी, आप शायद इस पर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ये अच्छी चीज है, मैं बोलता हूँ छापेमारी तो ऐसे होनी चाहिए जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्योंकि किसी के पास 100 करोड़ के नीचे की प्रॉपर्टी नहीं होती है और तनख्वाह 50,000, 60,000, 1 लाख होती है। साइकिल पे चलने वाले जो नेता होते हैं, झोपड़ी में रहने वाले नेता बनने के बाद करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, किसी का भी इतिहास देख लीजिए। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये होना और शिकायत करना, धर्मेंद्र यादव ने अगर चुनाव के टाइम पे शिकायत की है, इसके पहले क्या धर्मेंद्र यादव भी कद्दावर नेता है, समाजवादी पार्टी के हैं, इसके पहले वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी की चीजों को या इन सब चीजों को नहीं जानते थे? चुनाव के टाइम पे ये चीज होना, अब इसके बाद देखिए जब ये लोग जीत जाएंगे ना तो सारी कार्रवाई बंद हो जाएगी। अगर इसको ये माना जाए कि ये एक सफाई प्रोग्राम है या ऐसे लोगों को पकड़ने का या ये सब चीजें हैं, तो ये लगातार चलते रहना चाहिए 5 साल तक सतत। अदरवाइज मैं इसको ये मानूंगा कि चुनावी टाइम पे ये करना कहीं ना कहीं से ये प्रेरित है या तात्कालिक फायदा लेने के लिए है। मैंने आपको एक चीज नैन्सी आपके चैनल पे बोला था जी, मार्केट चुनाव में मार्केटिंग से ज्यादा मार्क कटिंग की जो है रणनीति काम करती है। तो चुनाव के टाइम पे ये सब चीजें करना, कोई शिकायत करे कोई करे, चीज अच्छी है, लेकिन मैं इन्फ्लुएंस्ड मानता हूँ, मोटिवेटेड मानता हूँ। तो लगातार जो अपडेट आती जाएगी वो अपने दर्शकों तक पहुंचाते जाएंगे। के मिश्रा जी, गौतम गंभीर पैराशूट कैंडिडेट नहीं कहेंगे इनको, गलत होगा क्या? नहीं नहीं, वो बात सही है नैन्सी। देखिए इन्होंने बोला मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, साहब ये नेता बनने जा रहे हैं और बहुत अच्छे नेता बनेंगे, चुनाव जीतेंगे मंत्री बनेंगे तो समाज की सेवा करेंगे। और यहाँ होता तो ये भी है ना, मंत्री चुनाव तक समाज सेवा करते हैं, मंत्री जी बन जाने के बाद समाज में कभी दिखते ही नहीं, समाज से ये सेवा लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ गौतम गंभीर जी, मदर टेरेसा ने भी तो समाज सेवा की थी, 50 ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज सेवा की थी, तो ये समाज सेवा करेंगे, समाज सेवा करेंगे इसका ढोंग मत करिए। क्रिकेट में आपने करोड़ों कमाए हुए हैं तब आपने समाज सेवा नहीं की, क्रिकेट में रहते हुए समाज सेवा नहीं हो सकती थी आपके पास, बस रडा रडा है। अरे बी इनोवेटिव, कुछ लॉजिकल आंसर दीजिए। आप देश के मंत्री बनने जा रहे हो, आप विधायक एमपी एमएलए बनने जा रहे हो, त्रिकोणीय मुकाबला है वहां पर, आप
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अलग है, एक तरफ जो कांग्रेस है और अब तो बीजेपी, तीन मुकाबला होगा, कैसा होगा, बहुत दिलचस्प होगा। इस पर जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ले लेती हूँ क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं ही मौजूद। क्या समझे, क्या मजबूरी है यहाँ पर, क्या कांग्रेस को उतारने की जरूरत पड़ गई यहाँ पर अपना कैंडिडेट? एसपी भी कह रही है, हालांकि एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन साफ लड़ाई मोदी सरकार से ही है, बीजेपी से है। देखिए नैंसी, टेक्निकल वे में आप इसको समझिए, जो गठबंधन है, अलायंस है विपक्ष का, उसके नेचर को समझिए, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। कांग्रेस और सारे लोग बोलते हैं कि हम गठबंधन में एक है, लेकिन यूपी में अगर देखा जाए तो सपा बसपा और आरएलडी का फॉर्मल डिक्लेरेशन हुआ, कांग्रेस का नहीं हुआ। तो ये क्या है, जैसे पानी में या शरबत में शक्कर होता है, शक्कर तो नहीं, शक्कर गलत शब्द है, एग्जैक्ट वर्ड है नमक, जैसे नमक होता है, हाँ ठीक है, वो वही पोजिशन यहाँ पे कांग्रेस की है कि गठबंधन में होते हुए भी गठबंधन में न रहना, यानी इनविजिबल तरीके से गठबंधन में रहना। अगर इनकी पोजीशन, सिचुएशन और स्ट्रेटजी क्लियर हो गई तो हम ये बोल सकते हैं कि कांग्रेस डेफिनेटली जीतने के लिए जो है अपने कैंडिडेट को नहीं उतार रही है। ये तो बोल रहे हैं ना कि हमें बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है। ये इनका सबसे बड़ा ब्लंडर है, इस तरीके का स्टेटमेंट देना। अच्छा। इनडायरेक्ट वे में ये सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि हमारा मकसद जीतना नहीं है, हमारा मकसद जो है बीजेपी को रोकना है। कांग्रेस जीते या ना जीते, लेकिन बीजेपी रुक जाए, कम हो जाए, हार जाए, ये इनका मेन मकसद है। तो कांग्रेस क्या करेगी वहां पे, वैसे भी बड़ी कमजोर है, तो कांग्रेस ये करेगी 1-2% या थोड़े बहुत वोट काट लेगी बीजेपी की, ताकि गठबंधन जीत जाए। भी जानती है और सारे लोग जानते हैं। प्रियंका गुप्ता जी कुछ कह रही हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अगर बोलेंगी कि भाई हम ही प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, 500 में से 600 सीट कांग्रेस ला रही है या समाजवादी पार्टी के, तो मैं तो हाथ जोड़ के मान लूंगा। भाई आपको अधिकार है और इसीलिए आप राजनीतिज्ञ हो, आप तो ये भी बोलिए कि 500 में से 600 सीट लाएंगे तो वो भी संभव है आप लोगों के लिए, मैं उसमें मानता उसमें। अखिलेश यादव ने कहा है, आरोप लगाया है अखिलेश यादव ईवीएम को लेकर, सवाल उठाते हुए नजर आए हैं कि प्रशिक्षित लोगों को नहीं बिठाया गया। एके मिश्रा जी, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए मुझे तो, मैं सही बताऊं ना, इतना ये होने लगा है, मैं बोलता हूँ इतनी बड़ी रैली आप कर लेते हो, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, चैलेंज कर देते हो। मैं विपक्ष से बोलता हूँ, ईवीएम में खराबी होना मैंने बोल दिया है, मैं मानता हूँ मशीन है, हो सकता है, आप केवल आरोप लगा के भाग क्यों जाते हो, आप कोई हार्ड कोर एक्शन क्यों नहीं लेते हो? अगर आपको लग रहा है कि आप इसके कारण चुनाव हार रहे हो, तो चुनाव जीतने के लिए जो इतने जतन आपने किए हैं, इतनी रैलियां की है, इतना गठबंधन बनाया है, तो आप अपने पावर का, अपनी क्षमता का प्रयोग इस चीज को रोकने में क्यों नहीं करते हो? लेकिन तो सवाल ये भी उठता है कि हमेशा ईवीएम पर ही सवाल क्यों? नहीं नहीं, जब तक आप इसको लेके ईवीएम पे आरोप लगाते हो और उस आरोप को लेके गंभीर प्रयास नहीं करते हो, मैं आपके आरोपों का खंडन करता हूं, मैं नहीं मानूंगा। केवल बोल देने से मैं अब नहीं मानूंगा।